विद्यावर में पावर सबस्टेशन के लिए 2,79,00,000, अटल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए 20 करोड़। अब वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो क्या क्या सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है, लोगों को इंतजार है। वाराणसी के दौरे का उनका आखिरी दिन है आज। काशी को करीब 557 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और अब प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू पहुंच चुके हैं, जहां पर धर्मार्थ कार्य विभाग की आधारशिला वो रखेंगे और बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी और इसके साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन अब से कुछ देर में यहां पर होने वाला है। अनिल, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, अब यहां से आगे किस तरह से कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल अभी तुरंत ही 30 सेकंड पहले ही मंच पर पहुंचे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी हैं। 557 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों को विशेष उम्मीद रहती है प्रधानमंत्री से। उन्हीं उम्मीदों को पूरा करते हुए ये 557 करोड़ की परियोजनाएं काशी को सौंपी जा रही हैं। माना जा रहा है कि इनके बाद विकास जो है वो और रफ्तार पकड़ेगा। बीजेपी के तमाम जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता नेता और मंत्री विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं बनारस के। और इसके अलावा लगभग 1,00,000 की भीड़ इस वक्त एमपी थिएटर मैदान काशी विश्वविद्यालय में मौजूद है। प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। तो कुल मिलाकर 2 दिवसीय दौरा है और 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री का अगले 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, यहाँ पर बच्चों के साथ संवाद किया, यहाँ के लोगों से मिले और अब उनका कार्यक्रम फिलहाल बीएचयू में है। लेकिन काशीवासियों को काफी ज्यादा उम्मीदें अनिल प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से, क्योंकि जिस तरह की योजनाओं की बात यहाँ पर की जा रही है जिससे काशी के विकास में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री आपके सांसद हों तो उम्मीदें आसमान पर होती ही हैं। सबको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर विकास की बयार बहेगी तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही बहेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि क्योटो बना देंगे काशी को। काशी क्योटो तो अभी नहीं बना है, लेकिन बहुत विकास का काम हुआ है और बहुत सा होना बाकी है। लेकिन बहुत सुधार हुआ है, लोग यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि बहुत काम हुआ है, प्रधानमंत्री ने करवाया यहाँ पर। और शायद अगर कोई एक नॉर्मल सांसद यहाँ से होता तो इतना विकास ना हो पाता, प्रधानमंत्री होने के नाते यहाँ पर विकास की बयार बही है। लेकिन अब अभी उम्मीदें और भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम, तंग सड़कें, ये एक बड़ी समस्या है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 557 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनसे तमाम विकास कार्य होंगे, तो डेफिनेटली असर पड़ेगा और बनारस की जो तस्वीर है वो और ज़्यादा बदलेगी। चलिए अनिल, हमारे साथ बने रहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का ये दूसरा दिन है, इसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट काशी को देने वाले हैं और इसी के साथ वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के एम्फी थिएटर में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। एक दिन पहले अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुँचे और करीब करीब 557 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है और इसमें पुरानी काशी के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना है। इसके साथ साथ बीएचयू में एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर शामिल है। इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बीएचयू के एम्फी थिएटर से ही प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की जैसे कि उम्मीद थी, लोग यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इससे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, बच्चों के साथ भी मुलाकात की, कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और आज वाराणसी दौरे का जब दूसरा और आखिरी दिन है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर आए हुए हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ हैं। इंतजार है काशी को उन 557 करोड़ की योजनाओं का जिसके जरिए काशी में विकास की एक अलग बयार बहेगी। किस तरह से प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें वाराणसी से। कुमारों के लिए करीब 260 बिजली से चलने वाले आग और साथ ही साथ पुरानी काशी में शहरी विद्युत सुधार कार्य के लिए भी यहां पर योजना है। नागपुर ग्रामीण पेयजल योजना की शुरुआत होगी। बीएचयू में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए भी शुरुआत की जाएगी। हनी मिशन के तहत 500 मधुमक्खी बॉक्स की बात है और कुम्हारों के लिए 260 बिजली से चलने वाले चाक की भी सौगात काशीवासियों को प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इस काष्ठकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाना जाता है वाराणसी।
सब सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना भी होनी है और साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी सौगात काशी को मिलने जा रही है। बीएचयू में धर्मार्थ कार्य विभाग की आधारशिला रखी जाएगी, बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी, चोलापुर में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण भी होना है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना की बात भी यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। ये सभी योजनाएं काशी के लिए हैं और इंतजार काशीवासियों को प्रधानमंत्री के संबोधन का।